खा रही है। राजधानी दिल्ली से खबर, गंभीर श्रेणी में ही बना रहेगा दिल्ली में वायु प्रदूषण। बुजुर्ग और बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत। लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब। आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 382। राजधानी दिल्ली से खबर, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से फॉग में डूबी हुई दिल्ली दिखाई दे रही है। बुजुर्ग और बच्चों को इस पूरे माहौल में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ लगातार दूसरे दिन वायु की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। AQI इंडेक्स की बात की जाए तो आज दिल्ली का AQI इंडेक्स 382 पहुंचा। तो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सांस लेना दूभर हो चुका है। मौसम में बदलाव के साथ ही साथ और त्योहारों के बीच जाने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरा है। 382 के दर्ज पर आज दर्ज किया गया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से चारों ओर वातावरण में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। धूल के कण पूरे वातावरण में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में खासतौर पर अस्थमा के पेशेंट्स को दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो आप राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देख पा रहे हैं। तड़के सुबह की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर यहां पर धुंध की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली साफ दिखाई दे रही है। धूल की कण जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ने की वजह से चारों ओर वातावरण में फैले हुए हैं, ऐसे में लोगों को आवाजाही के साथ ही साथ सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फॉग में डूबी हुई राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि त्योहारों के खत्म होने के साथ ही साथ जिस तरह से पूरी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरी तरह से चारों ओर धुंध की काली चादर आप देख पा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर जहां AQI इंडेक्स 382 और कुछ जगहों पर 500 के पार पहुंच चुका है, लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे माहौल में खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों को अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आप तड़के ट्रैफिक की देख पा रहे हैं, किस तरह से चारों धुंध और फॉग की तस्वीरें हैं। धूल के कण वातावरण में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप यमुना नदी की देख पा रहे हैं। यमुना नदी का पानी भी पूरी तरह से केमिकल और फॉग के चलते खराब हालत में बना हुआ है। एक तरफ वायु की बात की जाए और दूसरी तरफ जल की बात की जाए, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की चपेट में इस समय राजधानी दिल्ली और NCR नजर आ रहा है। केमिकल आप साफ तौर पर पानी की सतह पर देख पा रहे हैं। फॉग के रूप में ये जो केमिकल पानी की सतह पर आता है, इसकी वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से खराब और प्रदूषित हो चुका है। और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में इस समय प्रदूषण को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार भी इसको लेकर एक महीने तक के लिए विशेष अभियान चलाने वाली है। देखना यह होगा कि इस अभियान चलाने के बाद भी क्या दिल्ली सरकार को सफलता मिलती है और प्रदूषण में कमी दर्ज की जाएगी या नहीं। तो सांस लेना राजधानी दिल्ली में हुआ दूभर। साथ ही साथ यमुना के पानी के स्तर का स्तर भी लगातार गिर रहा है। और अब बात करेंगे जयपुर की। पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता